तो हे फ्रेंड्स, यहाँ एक वायरस है जो कि काफी मींस काफी लोगों की जान ले रहा है, जो कि है निपाह वायरस। ये बेसिकली फैल रहा है, कह सकते हैं बैट्स मींस जो कि रात में घूमते हैं, फिर चमगादड़ हम कहते हैं हिंदी में। तो दोस्तों, इनसे फैलता है। हम काफी जन मानते हैं कि जो कि मींस एनिमल्स ने खाया है वो फ्रूट मीठा होता है, तो हम उसे काट के खाते। तो दोस्तों, यहाँ हमें उसे काट के नहीं खाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये जो वायरस है ये मीन्स इंडिया में आ गया है। ये बेसिकली मीन्स साउथ इंडिया में है, जो कि केरला में इसने 6 to 7 पीपल्स की जान भी ले ली है। और दोस्तों, ये काफी मीन्स अभी डेवलपिंग स्टेज में, ये अभी तक डेवलप नहीं हुआ है, ये एक डेवलपिंग स्टेज में है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ यहाँ प्रिवेंशन ही हम कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए अभी तक फिलहाल कोई मेडिसिन उपलब्ध नहीं है, क्योंकि ये एक नया वायरस है, इस पे अभी तक रिसर्च हुई नहीं है। और बेसिकली यहाँ हम अगर प्रिवेंट करते हैं, मीन्स अगर आपको पता होगा कि ये बेसिकली फैल रहा है एनिमल्स के यहाँ से, मीन्स एनिमल्स के वाया फैल रहा है, जैसे कि होगा पिग या फिर बर्ड्स, जैसे कि हमारे बैट्स या फिर चिकन वगैरह या फिर मटन वगैरह हम खाते। तो वैसे मीन्स थोड़े देर अवॉइड करो, थोड़े दिन अवॉइड करो, क्योंकि दोस्तों देखिए, यहाँ अगर ये वायरस होता है मीन्स इन्फेक्ट करता है आपको, तो यहाँ अभी तक तो कोई मेडिसिन निकल के नहीं आए, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको कहा कि रिसर्च अभी तक हुई नहीं है, क्योंकि इसीलिए मेडिसिन निकल के नहीं आई है। तो दोस्तों, इसीलिए नॉनवेज मीन्स मैं नहीं कहूँगा कि बंद करें, पर थोड़े हद तक कम कीजिए, क्योंकि ये बेसिकली बर्ड फ्लू जैसा ही है। मीन्स बर्ड फ्लू तो नहीं कह सकते, पर उसी तरह से फैल रहा है। पर दोस्तों, ये एक काफी खराब मीन्स खराब वायरस कह सकते हैं, जो कि एक डेवलपिंग स्टेज में। यह पहले था मलेशिया में, ये काफी मीन्स काफी जाने लेकर बाद में इंडिया में आया। तो जैसे कि मैंने आपको कहा, ये डेवलपिंग स्टेज में, और ये अभी जाने ज्यादा भी ले सकता है। जैसे कि अभी बेसिकली अभी कल या परसों एक हॉस्पिटल की नर्स की भी जान गई इस वायरस की वजह से। तो दोस्तों, ये 5 to 15 days तक अपना असर इतना दिखाता नहीं है, ये बेसिकली नॉर्मल से आपको बुखार आएगा वगैरह। पर अगर जब भी 15 days पार होते हैं, मीन्स जब 15 days का वो ब्रेक करता है, तो बाद में आपके मीन्स दिमाग में नहीं, मीन्स हेड में काफी जलन होगी, या फिर आपको मीन्स ज्यादा बुखार आएगा, या ये थे कुछ बेसिक सिम्टम्स। पर यहाँ अगर आपको कोई ऐसे सिम्टम समझता है कि यहाँ कुछ मीन्स गड़बड़ लगती है, तो आप डॉक्टर से चेकअप करवाइए, क्योंकि ये काफी एक जो कि कह सकते हैं हम काफी घातक बीमारी बीमारी तो नहीं कह सकते, वायरस है जो कि कॉमन कांटेक्ट से भी फैलता है। ये वायरस काफी जल्दी से फैलता है। तो दोस्तों, मुझे ऐसा है कि आप समझ गए होंगे कि ये निपाह वायरस क्यों फैल रहा है और बेसिकली कैसे फैलता है। तो दोस्तों, मुझे ऐसा है कि आप समझ गए होंगे कि ये निपाह वायरस कैसे फैल रहा है, और अगर आप इसे प्रिवेंट करें, इस वायरस को प्रिवेंट करें, मीन्स हमें तो पता नहीं चल सकता कि ये वायरस इसमें है, पर आप जैसे कि मैंने आपको कहा कि कुछ मीन्स नॉनवेज खाना थोड़ा सा कम कर दे थोड़े से दिन तक, तो आप इस वायरस से जरूर बच सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लेके आता रहता। तो दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे और कमेंट भी कर दे कमेंट।